हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वी टेक्नो। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक टेम्पोररी मेल सेंड कर सकते हो, उसे रिसीव भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आप अपने फ्रेंड्स से प्रैंक कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी है और इसका प्लीज मिसयूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आप अगर मिसयूज़ कीजिएगा तो क्या पता कोई कंप्लेन कर दे तो आप पकड़ा जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और हाँ, जो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ये फ्रेंड्स, ये पूरा प्रैक्टिकल है, इसे आप आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक भी दे दिया है। तो कुछ दो तीन वेबसाइट्स मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने से उसे यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वार्न कर दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने वेबसाइट पर और वहाँ देखेंगे कि किस तरह हम लोग फेक मेल को सेंड करते हैं, उसे कैसे रिसीव किया जाता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए सबसे पहला वेबसाइट पर चलते हैं, जिसका नाम है एनोनी मेलर। और फ्रेंड्स, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो प्लीज़ इसे डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर आपको कोई भी नेम देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है, वहाँ पर सेंडर का ईमेल आईडी, थर्ड में रिसीवर का ईमेल आईडी होना चाहिए, और थर्ड में फोर्थ में सब्जेक्ट दे दीजिए। नीचे जो आप देख रहे हैं बड़ा सा वाइट बॉक्स, यहाँ पर आपको मैसेज टाइप करना है। चलिए चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पर मैंने कोई भी यहाँ पर नाम दे दिया है, और नीचे में मैंने आपको कहा सेंडर का, मतलब सेंडर तो अभी हम हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी ईमेल आईडी देना है। और यहाँ पर रिसीवर के ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए। तो रिसीवर यहाँ पर मैं खुद हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ टाइप किया हूँ। उसके बाद चलिए चलते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट में ये ऑप्शनल है, आप इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, इम्पॉर्टेंट। और फिर नीचे यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ टाइप नहीं करूँगा, चलिए कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर टाइप करते हैं कैप्चा एस। और चलिए इसे सबमिट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये देखिए एक मैसेज आया है, यहाँ पर लिखा है थैंक यू, और नीचे योर मैसेज हैज़ बीन सेंड टू vtechno20@gmail.com। अब बगल में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके रखा है। और चलिए इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, क्या पता आया है या नहीं आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो मुझे नहीं कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं इसे स्पैम फोल्डर में जाके देखता हूँ, क्योंकि गूगल शायद यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया होगा कि जो मैसेज अभी आया है वो शायद स्पैम है, फेक है, तो वो ऑटोमेटिक गूगल स्पैम फोल्डर में वो डाल देता है। तो चलिए चेक करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ईमेल रिसीव किया है। मैंने यहाँ पर दिया था vikas@gmail.com। और चलिए नीचे चलते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वहाँ से जो कुछ भी कॉपी एंड पेस्ट किया था यहाँ पर प्रिंट आ गया है।
और चलिए इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं, किसने सेंड किया, कितने बजे सेंड किया और किसको सेंड किया गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे वेबसाइट पर जिसका नाम है ट्रैशमेल। और फ्रेंड्स इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, तो ज़रूर इसे भी चेक कीजिए। और चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कोई भी फेक नेम देना होगा इस जगह पर, और ड्रॉप डाउन से यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर रिसीवर का ईमेल आईडी, ये इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं आपके सामने। मैसेज तो मैंने टाइप कर दिया, चलिए इसे कॉपी एंड पेस्ट भी कर दिया। चलिए अब यहाँ पर मैंने सेंड मेल पर क्लिक कर दिया और ऊपर में ग्रीन कलर का बार देख रहे हैं जहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया है कि ये मेल सेंड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये मेल वाकई में सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं इनबॉक्स में कोई नया मैसेज आया है कि नहीं आया है, तो इसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स ये देखिए अमित कुमार से एक मेल आया हुआ है जिसका सब्जेक्ट है कुछ भी, और मैसेज में भी मैंने लिखा था कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये गूगल ये नोटिफाई भी नहीं कर रहा है कि ये मेल एक स्पैम है या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सबसे अच्छा फेक मेल है जो कि ये कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये स्पैम है कि नहीं है। तो चलिए इसका मैं यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन में दिखा देता हूँ। तो अब चलते हैं अगले वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स ये तीन अगले वेबसाइट मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स इसमें मैं कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ, और ये सब बिल्कुल फेमस वेबसाइट्स हैं जिसके मदद से आप फेक मेल भेज सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने पिछले वेबसाइट पे करके दिखाया ये इंटरफेस वैसा ही है फ्रेंड्स। पहले तो आपको सेंडर का ईमेल देना होगा, उसके बाद रिसीवर का ईमेल देना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप अपना मैसेज दे सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।